बात करिए अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद की मुलाकात है बिन्नी एंड फेमिली के ज्या मूवी नी स्टार कास्ट फिल्म विषय कलाकारों ने करी केटीवी न्यूज साथ बातचीत कि ज्या संजय त्रिपाठी नी कलमे लखायेली फिल्म थशे रजू तेरे संयुक्त परिवार ने लई फिल्म मा संदेशो आपता दृश्य जोवा मळ्या। नवरात्रि पहला तो आपने नवरात्रि विषय पूछे सर क्या कहोगे, पहले तो गुजरात की शान आन बान और नवरात्रि अभी चल रही है और आपकी फिल्म भी ऐसे ही धूम मचा रही, क्या कहोगे? बस जय माता दी, जय माता रानी और सभी लोगों को, खास करके सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो ये बिन्नी एंड फैमिली है आज यहाँ अहमदाबाद पहुँची है वो आपके शहर भी आएगी और आप लोगों को प्रेरित करेगी कि आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए और एक ऐसे पारिवारिक फिल्म देखें जो इस नवरात्रि के माहौल में आपको सही में और परिवार से जोड़ देगी। सर एक अहमदाबाद आए हो, गुजरात आए हो और गरबा खेलने वाले हो कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, गरबा खेलने वाले हैं। तीन जगह पे हैं हम लोग, शांतिग्राम में हैं, दैनिक भास्कर के उसमें हैं और एक और है जिसका नाम मैं नाम भूल गया, बट तीन जगह हम जाके रात को गरबा खेलने वाले हैं। बात की जाए तो अभी जो फिल्में चल रही है जिस तरह से कॉमेडी हो या जिस तरह से फिल्म चल रही है अलग ही एकदम फील है, हटके रोल है, किस तरह से आप सेटिस्फेक्स हुए स्टोरी से और किस तरह से लगा कि नहीं ये मूवी धूम मचाएगी? आई थिंक ये स्टोरी बहुत हार्ट वार्मिंग है, फैमिली घर घर की बात है एंड आई थिंक जब हम मूवीज देखते हैं जब हमें वो एक रिलेटेबिलिटी का फैक्टर दिखता है लाइक ओ शिट हम मेरे घर में भी ऐसा हो रहा है, आई थिंक उससे दैट्स व्हाट मूवीज आर मेड फॉर आई फील एंड ये मेरी पर्सनल लाइफ से बहुत क्लोज है ये स्टोरी सॉरी तो बहुत इमोशनल है, मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आया। आई थिंक बिनी को इतने डिफरेंट शेड्स दिखाने का मौका मिला तो मुझे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। अभी जो जिस तरीके से आपकी फिल्म आई है अभी कोई जो परिवार होते हैं परिवार में ऐसी घटना होती ही रहती है इस तरह से, यानी ये फिल्में ऐसा नहीं है कि यंगस्टर को जो पुराने लोग हैं उनको भी पसंद कर रहे हैं और आपकी एक्टिंग को उसको भी पसंद कर रहे हैं, क्या कहोगे पूरी फिल्म के लिए? पूरी फिल्म के लिए कहूँगी ऑल ऑफ अहमदाबाद एंड गुजरात के लिए कि आपकी प्यारी फिल्म बिनी एंड फैमिली तमें पूरे फैमिली साथ है थिएटर में जोवा जजो। गुजरात साथ बात करी, गुजरात नवरा गुजरात में आया हीरोइन पर गुजरात की बात कर, सर क्या बोलोगे किस तरह से पूरा एकदम अलग रोल है इसमें, क्योंकि जिस तरह से फिल्में अभी बन रही है कॉमेडी हो एक्शन मूवी बन रही है पर ये अलग है, किस तरह से आपने देखा कि ये फिल्म मार्केट में चलेगी क्योंकि अभी ऐसा है कि इस तरह की फिल्म पिट जाती है? आई डोंट नो सर, अगर मैं मेरा एक ये फर्म बिलीव है कि अगर आप फिल्म बनाने की कोशिश के पहले आप सोचोगे कि ये फिल्म कितना बिजनेस करेगी, अच्छा एक्शन फिल्म चल रही है मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा, वो फिल्म कभी चलेगी ही नहीं, या अगर चलेगी भी तो उतना प्यार नहीं मिलेगा जितना इस फिल्म को मिल रहा है, क्योंकि सर जैसा आपने पूछा मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि कितना पैसा कमाएगी कैसे है हटके होगी ये होगी, वो दिल वो पैशन था सर, पैशन पेपर पे निकल गया और वही पैशन वही मैसेज वही प्यार वही डेडिकेशन दूसरे एक्टर्स को दिखा और शूटिंग के बाद होपफुली अब ऑडियंस को दिख रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से ये पारिवारिक मूवी चल रही है अभी क्योंकि अभी देखो जावे तो फिल्म में देखे जाए तो एक्शन हो यानी कुछ अलग से बताना पड़ा, एकदम से डिफरेंट सोच के ये मूवी बनाए, आपको कैसे काम करने की इसमें मजा आई है और एक संदेश भी जा रहा है तो क्या कहोगे पूरे फिल्म के लिए आप? देखिए हर तरह की जनता के लिए हर तरह की फिल्में हैं, हर तरह के सीरियल्स हैं, OTT हैं, लेकिन एक एक है जो फंडामेंटल एक ही है, विज्ञान जो है वो एक ही है। जैसे हमारे अगर कल्चर की बात करें तो भाई बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है, सिखिज़्म है, लेकिन वहीं पे शिव भी हैं, तो शिव कहीं ना कहीं साइंस हैं बाकी टेक्नोलॉजीज़ हैं समय के साथ। सो बिनी एंड फैमिली इज़ अ टेक्नोलॉजी जो आज के युग में रेलिवेंट है और आज के जनरेशन को, सिर्फ आज के ही नहीं बल्कि दो जनरेशन अपने से ऊपर को प्रेरित करती है कि परिवार को छोड़ करके आप कहीं फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, आप दुनिया में कहीं भी उड़ें
लेकिन रूट्स आपके मजबूत होने चाहिए। अभी देखा जाए तो हीरो हो या हीरोइन हो, ऐसे फिल्म अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पिट जाएगी ये मूवी, यानी इससे अवॉइड रहते हैं, क्या आप क्या कहोगे इसको? नहीं, हमारी फिल्म जो है वो हमारे सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, हमारी फिल्म जो है वो हमारे समाज के चित्र को दर्शाती है, और वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हम किसी से अपने कल्चर को कंपेयर कर सकें। हमारा आज 15,000 साल का लिखित इतिहास है, जहाँ पे हमें पता है कि भाई हम हिंदुस्तान के एक सब कॉन्टिनेंट में थे। आपको अगर मैं बताऊँ तो हिंदू जो एक शब्द है वो दो शब्दों से बना हुआ है, हिंद महासागर और मतलब हिंदू महासागर और हिमालय, ये दोनों के बीच में जो रहा वो हिंदू है। सो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग रहा है, ये बीच में जो 200 साल थोड़े से गड़बड़ हुए, बट दिस इज़ द टाइम टू रिवाइव एंड आई थिंक दिस जनरेशन हैज़ पिक्ड अप टू टेक दीज काइंड ऑफ फिल्म्स इन देयर स्ट्राइड एंड दे आर कमिंग अप विद दीज काइंड ऑफ यू नो दे एक्टिंग इन सच फिल्म्स विच दिस जनरेशन इज रिलेटिंग टू। लास्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, क्योंकि अभी की हीरोइन है सोचती है कि पिट जाएगी, मार्केट डाउन होगा, इस तरह से बहुत माइंड पे रखते हैं कि पिक्चर साइन करने के बाद। आपने कुछ ऐसा सोचा था कि किस तरह से आगे और जो शूटिंग रही है कैसे मजे की और किस तरह से पूरे जान जोग दिए फिल्म? ये सोच रही थी कि ये फिल्म पिट जाएगी या नहीं, आई थिंक मैं सोच रही थी कि फिल्म हिट जाएगी एंड मैं आल्सो सोच रही थी कि मुझे अपने परफॉर्मेंस दिखाने का कितना बड़ा मौका मिल रहा है एंड कितना दर्शाने का मौका मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक मैं उस किसी भी चीज़ के बारे में सोच रही थी। एंड जब आप एक फैमिली फिल्म शूट करते हैं, हम बर्मिंघम में शूट कर रहे थे तो हम इंडिया से बाहर गए थे, तो जब हम सब साथ में रहते हैं 20-30 दिन तो वो फैमिली जैसा माहौल आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो वो मज़ा हमेशा आता है। सर जिस तरह से बात की, अब गुजराती के लिए नवरात्रि के बाद दिवाली भी आती है, फुल वन त्यौहार, फुल वन वैकेशन है, क्या कहोगे आपकी फिल्म को लेकर गुजरात वासियों? सॉरी तो आपने क्या पूछा एक बार फिर? अभी जो वैकेशन मोड पर आए गए, क्या कहोगे आपकी फिल्म को लेकर गुजरात वासियों को एक संदेश? अंजनी ने बहुत अच्छा, आई थिंक यू शुड डायरेक्ट दिस क्वेश्चन टू हर, शी हैज अ वेरी नाइस मैसेज फॉर द गुजराती ऑडियंस। अरे हाँ, वो लाइन जो चार लाइनें तुमने मैंने बोली, यहाँ भी बोल दो, यहीं बोली, यहीं बोल दी है, आप बोल दो। नहीं नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चाहे आप कहीं भी रह रहे हों और आपके अगर नज़दीकी सिनेमा घर में बिनी एंड फैमिली लगी है, तो प्लीज़ एक अच्छी सी क्यूट सी फैमिली फिल्म को एक अवसर दें कि वो उस बराबरी पे आ सके जहाँ पे सारे लोग इसको सराह सकें और ये आज इस साल की नहीं बल्कि इस दशक की बड़ी फिल्म बन जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर। जिसे थे बात करवा दीजिए तो जो फिल्म कास्ट हते ते खुली ने बात करी छे ने ते पोतानी फिल्म छे ते पारिवारिक फिल्म छे अने आवना टाइम में ते हिट थाय छे ते तेनु